दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया, भाई जो है योनो लाइट SBI में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम आपको आज लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं किस तरीके से आप योनो लाइट SBI में लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ और कंप्लीट जानकारी देता हूँ। अगर फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखिए कि कैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं लाइव। मैं आपको ये वीडियो बना के देने वाला हूँ किस तरह से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको 100% प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले योनो लाइट SBI ओपन कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे अलाउ का आप परमिशन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक नया पेज खुलेगा। तो जो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर बैंक में है उसको आप सेलेक्ट करें। तो चलिए एयरटेल का है मेरा, तो एयरटेल पे क्लिक करके प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद अलाउ पे क्लिक कर देंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बॉक्स पे क्लिक करके, और एक्सेप्ट फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक वेरीफिकेशन कोड यानी कि एक्टिवेशन कोड सेंड किया जाएगा, उस कोड को यहाँ पर इंटर एक्टिवेशन कोड पर क्लिक करके आपको देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे ही OTP देते हैं उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यूज़र एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और मैसेज भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके पे चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ओके कर देना है। उसके बाद ऐसा कुछ पेन खुलेगा, तो इंटर नाउ पे क्लिक करेंगे, जो कि आप यहां पे MPIN सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे ऑन कर देंगे इसको, और कोई 6 डिजिट का आप पिन यहां पे सेलेक्ट कीजिए और कन्फर्म में वही पिन देना है। तो चलिए हम यहां पे पिन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आप ऊपर में पिन दिए हैं वही आपको नीचे में देना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट, उसके बाद कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे OTP आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे OTP दे के सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली हम OTP दे के सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा सक्सेसफुल यहाँ पे पिन बन चुका है, और यहाँ पे हम जो है फिर से चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। योनो लाइट SBI ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपना MPIN डालेंगे। तो चलिए जो भी हम MPIN बनाए थे और यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड पे भी आप ये देख के आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरा अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी प्रॉब्लम अभी भी सर्विस सिम सर्विस नॉट अवेलेबल लिखा रहा है, तो आप अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज कराइए जिसमें आउट गोइंग SMS रहता हो, यानी कि आउट गोइंग सुविधा SMS, जो कि आप किसी को SMS भेज सकते हो। तो मैंने वीडियो में आपको बताया, अगर इस प्रोसेस से फिर भी नहीं होता है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपका सिम जो है अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज है या नहीं है, या 199 से आप रिचार्ज कर सकते हैं। जो भी अनलिमिटेड पैक है जो कि SMS आउट गोइंग देता है, जो कि आप किसी को भी SMS सेंड कर सकते हो, वो वाला पैक होना चाहिए, तब आपका यहाँ पे योनो लाइट SBI यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये भी नहीं होता है तो आप फिर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए, फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चाहते हैं हमेशा इस तरह का वीडियो देखना SBI से रिलेटेड, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में। अगर कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं।